नरेंद्र मोदी जयपुर में बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे हैं। नतीजे चाहता है, सरकारों का काम करते हुए देखना चाहता है, वो अपनी आंखों के सामने परिणाम प्राप्त करना चाहता है, परिणाम देखना चाहता है। राजनीतिक नफा नुकसान से अलग मैं इसे जनमानस में आया बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज मानता हूं। जब देश के 130 करोड़ लोगों की आकांक्षाएं इस प्रकार से जग जाती है तो निश्चित रूप से सरकारों की जवाबदेही भी बढ़ती है, उनके लिए काम करना अनिवार्य हो जाता है। सार्वजनिक जीवन के हर व्यक्ति के लिए ये जन जागृति अनिवार्य रूप से काम करने के लिए प्रेरित भी करती है, दबाव भी बनाती है। और इसलिए देश के लोगों की बढ़ती हुई एस्पिरेशंस में मैं देश के उज्जवल भविष्य को भली भांति देख रहा हूं। और जब ये सारी चित्र मेरे सामने मैं देखता हूं, आत्मविश्वास से भरे हुए देश के युवाओं को देखता हूं, कुछ कर गुजरने के हौसले के साथ, भागीदारी के विश्वास के साथ आगे बढ़ती बहन बेटियों को देखता हूं, तो मेरा आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ जाता है। साथियों, जब अपेक्षाएं बढ़ती हैं तो अपेक्षित परिणाम लाने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करने का जज्बा भी बढ़ता है। यही जज्बा देश को आजादी के अमृत काल में नई ऊंचाई पर ले जाएगा। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में देश जिन बड़े लक्ष्यों पर काम कर रहा है, तब हमें कुछ बातें और भी याद रखनी जरूरी है। भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते हमें चैन से बैठने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। यूं तो दुनिया कहेगी और सच्चाई भी है, क्या देश के 18 राज्यों में भाजपा की सरकार है, 1300 से अधिक विधायक हो, 400 से अधिक सांसद हो, राज्यसभा में भी वर्षों के बाद कोई दल 100 के आंकड़े को छूने जा रहा है, वो नसीब भी भाजपा को मिला है। यानी ये सारी सफलताओं को जब सामने देखते हैं तो स्वाभाविक मन करेगा यार बहुत हो गया। लेकिन साथियों, हमें सत्ता भोग ही करना होता तो भारत जैसे विशाल देश में कोई भी सोच सकता है कि अरे भाई इतना सारा मिल गया, इतना सारा प्राप्त कर लिया, अरे अब तो बैठो आराम करो, चलो यार। जी नहीं, वो रास्ता हमारे लिए नहीं है, वो रास्ता हमें मंजूर नहीं है। और जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी पार्टी के लिए जीवन गंवाया है, उन्होंने हमें आराम करने की इजाजत नहीं दी है। और इसलिए आराम तो नहीं करना है। साथियों, इतना सब विजय पताका फहर रही है तो भी
आज भी हम अधीर हैं, आज भी हम बेचैन हैं, आज भी हम आतुर हैं, क्योंकि हमारा मूल लक्ष्य भारत को उस ऊंचाई पर पहुंचाना है जिसका सपना देश की आजादी के लिए मन मिटने वालों ने देखा था, जिन सपनों को लेकर के देश के वीर फांसी के फंदे को गले में लगा करके मातृभूमि के लिए आहूत हो गए थे। हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों का ऋण कभी चुका नहीं सकते दोस्तों, लेकिन दिन रात मेहनत कर सकते हैं, खुद को देश के लिए खपा सकते हैं। और मुझे खुशी है कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता आज इन भावनाओं से प्रेरित होकर के नित्य नूतन प्राण शक्ति लेकर के अविरत न थके न झुके काम कर रहा है। जिस पार्टी के पास कर्तव्य पथ पर चलते हुए ऐसे कोटि कोटि कार्यकर्ता हो, तो कौन होगा जिसको गर्व नहीं होगा। मुझे आप सबके लिए गर्व है दोस्तों। साथियों, इस महीने केंद्र की भाजपा सरकार के एनडीए सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये 8 वर्ष संकल्प के रहे हैं, सिद्धियों के रहे हैं। ये 8 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। ये 8 वर्ष देश के छोटे किसानों, देश के श्रमिकों, देश के मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले रहे हैं। ये 8 वर्ष देश के संतुलित विकास, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी रहे हैं। और ये 8 वर्ष देश की माताओं, बहनों, बेटियों के सशक्तिकरण, उनकी गरिमा बढ़ाने के प्रयासों के नाम रहे हैं। साथियों, सरकार पर, सरकार की व्यवस्थाओं पर, सरकार के डिलीवरी मैकेनिज्म पर किसी समय देश का जो भरोसा उठ गया था, 2014 के बाद जनता जनार्दन के आशीर्वाद से भाजपा सरकार उसे वापस लेकर आई है। आज गरीब से गरीब भी ये नहीं सोचता कि ये सरकारी योजना तो सिर्फ सिफारिश वालों के लिए है, जान पहचान वालों के लिए है, जो रुपये पैसे खर्च कर सकता है उनके लिए है। आज वो अपने आसपास लोगों को योजनाओं का लाभ मिलते देख रहा है। वो आज बहुत विश्वास से कहता है कि एक ना एक दिन मुझे भी इस योजना का लाभ अवश्य मिलेगा। और ये बात वो विश्वास से कहता है। और साथियों, इसलिए इस बार आपको याद होगा, मैंने 15 अगस्त को लाल किले से
शत प्रतिशत लाभार्थियों तक पहुंचने की बात की थी। काम कठिन है, मैं जानता हूं, देश बहुत विशाल है, जिम्मेवारियां बहुत बड़ी है, कई काम है जिसमें राज्य सरकारों पर डिपेंडेंट है, कई काम है जिसमें स्थानीय स्वराज के निकायों पर डिपेंडेंट है, भांति भांति के प्रभाव भी हैं। उसके बावजूद भी साथियों, जब ये ठान लेंगे कि हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है, एक भी व्यक्ति के छूटने की गुंजाइश को समाप्त कर देना है, तो तय लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। और इसके लिए मैं लगातार एक बात सरकारी अधिकारियों से, अन्य राज्य सरकारों से करता रहता हूं, सैचुरेशन की बात करता हूं। सैचुरेशन का ये सिर्फ पूर्णता का एक आंकड़ा भर नहीं है, लेकिन जब हम सैचुरेशन की बात करते हैं, सैचुरेशन पर बल देते हैं, तो ये भेदभाव, भाई भतीजावाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार के चंगुल से देश को बाहर निकालने का माध्यम है। भारत के सामान्य नागरिक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से मुक्ति दिलाने का जो अभियान बीते 8 साल से देश में चल रहा है, सैचुरेशन का अभियान उसको और सशक्त करेगा। और इसलिए आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की इस बैठक में हम सभी को इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है कि हम जिस भी क्षेत्र में होंगे, जो भी हमारा कार्य क्षेत्र होगा, वहां कोई भी गरीब, कोई भी हकदार नागरिक योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। इसके लिए भाजपा को नए जागरूकता अभियान शुरू करने चाहिए। चुनाव के समय जैसे हम हर बूथ तक जाते हैं, हर परिवार में पहुंचते हैं, उसी स्पिरिट से घर घर जाना है, एक एक नागरिक तक जाना है। हर घर भाजपा, हर गरीब का कल्याण, हमें इसी भावना के साथ लगातार काम करना होगा। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, और खास करके जब राजस्थान में आप बैठे हैं तो शायद वहां भी कोई ये कहावत जरूर आपके कान पर पड़ेगी। राजस्थान में अक्सर एक कहावत कही जाती है, अमर को तारो हाथ से कोनी टूटे, यानी आसमान का तारा हाथ से नहीं टूटता है। साथियों, ये कहावत अपनी जगह पर सही है, और इसलिए हमें भूलना नहीं है कि हमारा लक्ष्य आसमान जितना ऊंचा है, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत करेंगे तो उसे प्राप्त जरूर करेंगे। साथियों, जिस एक और विषय पर हमें निरंतर कार्य करते रहना है, वो है देश में विकासवाद की राजनीति की। चौतरफा चहुं दिशा में स्थापना होनी चाहिए। कोई भी दल हो, उसको भी विकासवाद की राजनीति पर आने के लिए मजबूर करना। साथियों, हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है,
जिसने विकासवाद की राजनीति को देश की राजनीति की मुख्य धारा बना दिया है। आज कोई भी चुनाव हो, विकास में विश्वास करने वाले लोग हो या न हो, समाज को तोड़ने की राजनीति करने वाले लोग हो तो भी शॉर्टकट ढूंढ करके सत्ता पाने के नुस्खे अजमाने वाले लोग हो तो भी, चाहते हो या न चाहते हो, लेकिन चुनाव में हर किसी को विकास के नाम पर बात करनी ही पड़ती है, चुनाव के मैदान में विकास की चर्चा करनी ही पड़ती है। और गर्व है भारतीय जनता पार्टी कि हमने राजनीति को इसकी विकासवाद की धारा के साथ प्रमुख रूप से बल दिया है। लेकिन साथियों, लेकिन हमें ये भी देख रहे हैं कि जो लोग विकासवाद की राजनीति से बच नहीं सकते, मजबूरन विकासवाद में आना ही पड़ रहा है, तो उन्होंने राजनीति में विकासवाद को भी विकृति के दिशा में धकेल दिया है।